नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी और आइए 11 मार्च 2020 के करंट अफेयर की शुरुआत करते हैं। तो आशा करते हैं कि आपकी होली काफ़ी अच्छी रही होगी और होली के बाद में एक बार फिर से आप अपनी तैयारियों में जुट जाइए, क्योंकि आरआरबी एनटीपीसी का भी एग्ज़ाम हो सकता है मई जून के आसपास हो, तो आपकी तैयारी एकदम से पूरी होनी चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर की। केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक महिलाओं के लिए 14 लाख नए स्वयं सहायता समूह बनाने का लक्ष्य रखा है? तो ये लक्ष्य रखा है भारत सरकार ने 2022 तक। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब ये स्वयं सहायता समूह क्या होते हैं? तो स्वयं सहायता समूह मुख्य रूप से महिलाओं का एक समूह होता है जिनके लिए सरकार के द्वारा विभिन्न योजनाएं लॉन्च की जाती हैं समय समय पर, और इसका उद्देश्य होता है कि जो भी महिलाएँ हैं उनको जीविका प्राप्त करने के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराए जाएं। अब यहाँ पर अगर हम लोग अपने देश भारत की बात करते हैं तो वर्तमान में कुल हमारे यहाँ पर 60.8 लाख स्वयं सहायता समूह हैं जिनसे 6.73 करोड़ महिलाएं जुड़ी हुई हैं। तो सरकार का टारगेट ये है कि अगले 3 वर्षों में हम कुल मिलाकर के 75 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाएंगे। तो इसीलिए 14 लाख नए यहाँ पर बनाए जाएंगे, और इसकी घोषणा की है कृषि व किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने। अगला प्रश्न है लिंग समानता सम्मेलन 2020, बात हो रही है जेंडर इक्वालिटी समिट की। तो इसके तीसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये जो तीसरा संस्करण है इसका आयोजन किया गया नई दिल्ली में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ये जो सम्मेलन था इसका आयोजन यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल कम्पैक्ट नेटवर्क इंडिया के द्वारा किया गया, जिसका मुख्यालय आपको मिलेगा न्यूयॉर्क USA में, और इसकी थीम रही इंडिया इंक्लूजन फॉर जनरेशन इक्वालिटी डिकेड ऑफ एक्शन। तो ये इसकी थीम रही है, और अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो हमारे यहाँ पर लेबर फोर्स है, दैट मीन्स श्रम बल है, इसमें महिलाओं की जो भागीदारी है वह मात्र 24.8% है 2020 में। तो इसी के ऊपर इस सम्मेलन का आयोजन किया गया है। और ध्यान रखिएगा, जो रिपोर्ट हमने डिस्कस की थी उसमें ये बताया गया था कि अगर महिलाएँ पुरुषों के बराबर काम करती हैं तो उस स्थिति में जो हमारी ग्रोथ रेट है GDP की वह होगी 27%। कौन सा राज्य स्वयं सहायता समूहों के लिए मिशन शक्ति विभाग बनाने वाला देश का पहला राज्य बना है? तो पहला राज्य यहां पर बन गया है उड़ीसा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ये जो स्वयं सहायता समूह है मुख्य रूप से इनका निर्माण उड़ीसा की सरकार के द्वारा महिलाओं के लिए किया गया है। इससे पहले उड़ीसा की सरकार ने यह भी बताया कि जो हमने महिलाओं के लिए मिशन शक्ति और ममता योजना लॉन्च की थी इससे राज्य की कुल मिलाकर के 70 लाख महिलाएं लाभान्वित हुई हैं। और अभी उड़ीसा सरकार का बजट भी आया था जिसमें उन्होंने एक सेपरेट पोषण बजट घोषित किया मुख्य रूप से महिलाओं और बच्चों के पोषण के लिए। साथ ही साथ इन्होंने अपने यहाँ की पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण भी दिया हुआ है। अगर हम बात करते हैं उड़ीसा की, तो यहाँ की राजधानी आपको मिलेगी भुवनेश्वर में। यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल हैं गणेशी लाल, मुख्यमंत्री यहाँ के हैं नवीन पटनायक, और इनकी पार्टी है बीजू जनता दल भितरकनिका। इसके अलावा सतकोसिया, सिमलीपल, ये टाइगर रिजर्व और पार्क आपको मिलेंगे उड़ीसा में। ध्यान रखिएगा, जो भितरकनिका है ये टाइगर रिजर्व नहीं, ये केवल है राष्ट्रीय पार्क। पुलिस व केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी कि बात हो रही है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स की। तो इनमें जो महिलाएं हैं उनके ऊपर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया? तो ये सम्मेलन आयोजित किया गया नई दिल्ली में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और इस सम्मेलन का उद्घाटन किया केंद्रीय कपड़ा और महिला, इसके साथ साथ बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी जी ने, और इसका आयोजन पुलिस शोध और विकास ब्यूरो के द्वारा किया गया था। थीम इसकी क्या रही? तो थीम इसकी है साइबर स्टॉकिंग एंड बुलोइंग ऑफ वुमेन स्टेप फॉर प्रोटेक्शन, यानी कि जो स्टॉकिंग किया जाता है महिलाओं का साइबर के माध्यम से उनको किस प्रकार से रोका जाए और इसके लिए क्या आगे कदम उठाए जाएं, तो ये आपको ध्यान रखना है। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर किया करें, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें पता चलता है कि वीडियो आपको कितना पसंद आ रहा है। और आजकल तो ये लग रहा है कि जैसे वीडियो आपको काफ़ी कम पसंद आ रहा है, तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है या फिर वीडियो में कुछ समझ में नहीं आता है तो उसके लिए आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट बता सकते हैं, और वीडियो को शेयर भी जरूर किया करें। सैनिटरी नैपकिन बनाने वाली कंपनियों के लिए कब से पैड के साथ निपटान बैग यानी कि डिस्पोजेबल बैग बनाना अनिवार्य होगा? तो ये अनिवार्य कर दिया है सरकार ने जनवरी 2021 से।
तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब आपको पता होगा कि महिलाओं में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का पीरियड होता है उस दौरान उनके द्वारा सैनिटरी नैपकिन का प्रयोग किया जाता है, तो काफ़ी सारा जो सैनिटरी नैपकिन होता है उसमें ब्लड या अन्य प्रकार के जो तत्व होते हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है या स्वास्थ्य को भी प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर सरकार ने ये घोषणा की है कि अब भारत में जो भी कंपनियाँ हैं जिनके द्वारा सैनिटरी नैपकिन बनाया जाता है तो उनको उस सैनिटरी नैपकिन के साथ में यानी कि पैड के साथ में एक निपटान बैग भी देना होगा जो कि बायोडिग्रेडेबल हो यानी कि पर्यावरण के अनुसार वो अपने आप को डिकम्पोज कर सके। तो इसीलिए ये निपटान बैग की घोषणा की है सरकार ने और यूज़ के बाद में इन सैनिटरी नैपकिन को इसी बैग में डाल करके इसे डिकम्पोज किया जाएगा। इसकी घोषणा की पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा कि जो कचरा उठाने वाली महिलाएं हैं उनका नाम अब से होगा स्वच्छता सेविका। भारतीय तटरक्षक बल की पहली महिला उप महानिरीक्षक यानी कि डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल कौन बनी, तो ये बनी है नुपुर कुलश्रेष्ठ जी। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नुपुर कुलश्रेष्ठ जी की बात करें तो ये 1999 में भारतीय तटरक्षक बल में शामिल हुई थी और अब प्रमोशन के माध्यम से इन्हें उप महानिरीक्षक बनाया गया है और ध्यान रखिएगा ये भारतीय तटरक्षक बल की पहली महिला उप महानिरीक्षक बनी है। अगर हम बात करते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड की तो इसकी स्थापना तटरक्षक अधिनियम दैट मीन्स कोस्ट गार्ड एक्ट 1998 के अंतर्गत किया गया था और ये आता है रक्षा मंत्रालय के अधीन। मुख्यालय इसका है नई दिल्ली में और महानिदेशक इसके हैं के नटराजन। और अभी कल ही हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इनके द्वारा सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज का आयोजन किया गया 9वें संस्करण का, कहां पर? गोवा में। तो यहां पर आप देख सकते हैं नुपुर कुलश्रेष्ठ जी को। पहले लिंग समानता मानदंड सूचकांक 2020, बात हो रही है जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स की, तो इसके अनुसार महिलाओं के खिलाफ पूर्वाग्रह में कौन सा देश शीर्ष पर है, तो इसमें शीर्ष पर है पाकिस्तान। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ये जो रिपोर्ट है इसे संयुक्त राष्ट्र विकास प्रोग्राम के द्वारा जारी किया गया और रिपोर्ट किस पर आधारित है यानी कि 75 देशों के लोगों पर सर्वे किया गया और उनसे ये पूछा गया कि क्या महिलाओं के संदर्भ में उनके पास कोई पूर्वाग्रह होते हैं, यानी कि जैसे आपने देखा होगा कि महिलाओं के संबंध में कई बार लोगों के द्वारा पूर्व अनुमान लगा लिया जाता है उनके व्यवहार के ऊपर। तो जब दुनिया के 90% आज़ादी से पूछा गया, मतलब सबसे पूछा गया, तो उनमें से 90% लोगों के पास में महिलाओं के प्रति कोई ना कोई पूर्वाग्रह जरूर होता है, जैसे कि महिलाएं काम नहीं कर सकती हैं या फिर अगर महिला और पुरुष के द्वारा किसी काम को किया जाता है तो उसी काम के लिए पुरुषों को अधिक वेतन मिलता है, महिलाओं को कम मिलता है। तो इस प्रकार के तथ्यों के ऊपर ये सर्वेक्षण आधारित था और इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि दुनिया का कोई भी ऐसा देश नहीं है जहां पर जेंडर इक्वलिटी देखने को मिलती है, यानी कि जेंडर इक्वलिटी दुनिया के किसी भी देश में नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें इस रिपोर्ट में बताई गई हैं। जारी किसने किया? संयुक्त राष्ट्र विकास प्रोग्राम ने जारी किया है और ये इस रिपोर्ट का पहला संस्करण है। अब बात हो रही है संयुक्त राष्ट्र विकास प्रोग्राम की, तो ध्यान रखिएगा इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क सिटी में और अकीम स्टेनर इसके प्रमुख हैं जो कि हैं ब्राज़ील के। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण नहीं है, ये है विकास प्रोग्राम। चौथे वुमेन ट्रांसफार्मिंग इंडिया अवार्ड 2019 में कितनी महिलाओं को सम्मानित किया गया, तो इसके अंतर्गत कुल मिलाकर के 15 महिलाओं को सम्मानित किया गया है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ये जो पुरस्कार समारोह है इसका आयोजन नीति आयोग ने संयुक्त राष्ट्र के साथ में मिलकर के किया है और थीम इसकी रही महिला व उद्यमिता यानी कि वुमेन्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा इन सभी महिलाओं को पुरस्कृत किया गया। बिजनेस लाइन चेंज मेकर अवार्ड्स 2020 में किसे व्यक्तिगत श्रेणी में चेंज मेकर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है, तो यह पुरस्कार यहां पर मिला है उड़ीसा की धाविका दूती चंद को, तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। उपराष्ट्रपति MB नायडू के द्वारा नई दिल्ली में इन सभी लोगों को सम्मानित किया गया। अगर हम बात करते हैं दूती चंद की तो आपको याद होगा कि जो एशियन गेम्स हुए थे 2018 में उसमें इन्होंने भारत के लिए 100 मीटर के दौड़ में स्वर्ण पदक जीता था और इसी के लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया। और ये जो पुरस्कार समारोह था इसका आयोजन हिंदू बिजनेस लाइन के द्वारा किया गया। एक चीज़ आपको यहाँ पर और ध्यान रखनी है कि चेंज मेकर ऑफ द ईयर इंस्टीट्यूशन की कैटेगरी में यानी कि संस्था के क्षेत्र में दिया गया है इसरो को, जो कि भारत का स्पेस एजेंसी है।
किसके लिए? इनके मिशन मंगल के लिए। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ अन्य पुरस्कार भी दिए गए, जैसे कि चेंज मेकर सामाजिक बदलाव के लिए, ये मिला शांति राघवन को। इसके अलावा चेंज मेकर डिजिटल बदलाव के लिए, ये मिला गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस को। चेंज मेकर वित्तीय बदलाव के लिए इंडिया स्टैक को मिला। युवा चेंज मेकर मिला प्रदीप मेवादा को। और आइकॉनिक चेंज मेकर का पुरस्कार मिला है अरुणाचम मुरुग नंदम को। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। हालांकि अगर आपसे पूछा जाएगा तो वही शीर्ष वाले दो पूछे जाएंगे। किस राज्य की सरकार द्वारा डिजिटल साक्षरता अभियान मैं भी डिजिटल हूँ यानी कि आई एम आल्सो डिजिटल शुरू किया गया? तो ये प्रोग्राम शुरू किया गया है केरल राज्य की सरकार के द्वारा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। केरल स्टेट आईटी मिशन के अंतर्गत ये प्रोग्राम की शुरुआत की गई है तिरुवनंतपुरम में, जो कि राजधानी है केरल की। अब ये प्रोग्राम है क्या? तो इसके अंतर्गत मुख्य रूप से लोगों को ई प्रशासन यानी कि ई गवर्नेंस और किस प्रकार से जो डिजिटल प्लेटफार्म होते हैं उनका यूज़ किया जाए, किस प्रकार से साइबर खतरों से निपटा जाए या साइबर खतरे किस प्रकार के हो सकते हैं, इन सभी के ऊपर इसका आयोजन किया जाएगा। और इसके अंतर्गत तिरुवनंतपुरम के 100 वार्डों में 50 ट्रेनर और 5 इंस्ट्रक्टर के द्वारा डिजिटल साक्षरता अभियान चलाया जाएगा। केरल की बात हुई है तो यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं, ये है केरल जो कि कर्नाटक और तमिलनाडु के साथ में अपनी सीमा साझा करता है। राजधानी यहाँ की है तिरुवनंतपुरम। राज्यपाल यहाँ के हैं आरिफ मोहम्मद खान और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि लोकसभा में 20 सीटें हैं, राज्यसभा में 9 और विधानसभा में 141 सीटें हैं। और पिनरई विजयन की पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। और यहाँ पर आपको पेरियार और परम्बिकुलम नामक दो टाइगर रिजर्व भी मिलेंगे। अशरफ गनी किस देश के राष्ट्रपति के रूप में दूसरी बार शपथ लिया? तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं अशरफ गनी की, तो दूसरी बार ये राष्ट्रपति बन गए हैं अफगानिस्तान के। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। दरअसल अफगानिस्तान की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर राष्ट्रपति के लिए काफ़ी समय पहले चुनाव हुआ था, तो उस समय अशरफ गनी विजेता रहे थे। लेकिन जो नेशनल कोएलिशन पार्टी के हैं अब्दुल्ला अब्दुल्लाह, इन्होंने कहा कि इस चुनाव में धांधली हुई है, तो बाद में रिकाउंटिंग भी की गई और उसमें भी अशरफ गनी विजेता रहे थे। ध्यान रखिएगा अब्दुल्ला अब्दुल्लाह ने राष्ट्रपति पद की ऑलरेडी शपथ ले लिया है और अभी अशरफ गनी ने भी यहाँ पर राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है। तो दोनों लोगों ने राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है, लेकिन जो बहुत सारे देशों ने मान्यता दी है वह दिया गया है अशरफ गनी को। अफगानिस्तान की बात करें तो राजधानी यहाँ की काबुल है, मुद्रा यहाँ की है अफगानी। और ये मैप में आप लोकेशन देख सकते हैं, यहाँ पर है अफगानिस्तान जो कि ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, इसके अलावा पाकिस्तान और भारत के साथ साथ चीन के साथ में भी अपनी सीमा साझा करता है। किस राज्य की सरकार ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए एक ऐप लॉन्च किया? तो ये ऐप लॉन्च किया है पंजाब राज्य की सरकार ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नाम क्या रखा है? तो नाम इन्होंने इसका रखा है कोवा पंजाब। ये आप देख सकते हैं, कोवा का मतलब है कोरोना वायरस अलर्ट। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो कोरोना वायरस है इसका नाम रखा गया है कोविड-19। इससे पहले चीन में जब कोरोना वायरस फैला था 2002-03 में, तो इसका नाम रखा गया था सार्स यानी कि सेवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। और दुनिया में 100,000 से ज़्यादा लोग कोरोना वायरस से प्रभावित हो चुके हैं। सबसे ज़्यादा डेथ कहाँ पर हुई है? तो सबसे ज़्यादा डेथ हुई है चीन में, और चीन के बाद में दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा डेथ हुई है इटली में। इटली में भी 400 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है। और ये जो ऐप है यानी कि पंजाब सरकार का, इसका नाम है सरकारी, इसका निर्माण सरकारी सुधार और लोक शिकायत विभाग के द्वारा किया गया है। पंजाब की बात हुई है तो ध्यान रखिएगा राजधानी यहाँ की है चंडीगढ़, जो कि हरियाणा की भी राजधानी है। यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल हैं बीपी सिंह बदनौर और यहाँ के सीएम कौन है? कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो कि कांग्रेस पार्टी के हैं। अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण है, समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2020, बात हो रही है इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2020 की, तो इसमें भारत का कौन सा स्थान रहा है यानी कि भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो भारत इस सूची में रहा है 46वें स्थान पर। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। यह रिपोर्ट इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी की गई और इसमें स्वीडन रहा है पहले, न्यूजीलैंड दूसरे और यूएसए रहा है तीसरे स्थान पे। कुल 100 देश इसमें शामिल रहे हैं।
और अगर हम लोग बात करते हैं इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट की, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? लंदन, जो कि इंग्लैंड की राजधानी है, और स्थापना इसकी हुई थी 1946 में। तो ये आप लिस्ट देख सकते हैं। यहाँ पर अगर हम भारत की बात करते हैं तो ये है टर्की के साथ में 46वें स्थान पे। और किन के आधार पर इस रैंकिंग को जारी किया गया? तो अवेलेबिलिटी यानी कि उपलब्धता क्या है इंटरनेट की कहाँ पर, अफोर्डेबिलिटी यानी कि उसका मूल्य क्या है, रिलेवेंस यानी कि किस कैटेगरी में जो लोकल लैंग्वेज है उसमें इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है, और फिर है रेडीनेस यानी कि जो स्किल्स है, कल्चर एक्सेप्टेंस है, इनमें कितना योगदान है उस देश में इंटरनेट का। तो इन चार क्राइटेरिया के आधार पर इस रिपोर्ट को जारी किया गया। और आज का जो प्रश्न है इसी के ऊपर आधारित है कि इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा अभी हाल ही में कौन सी रिपोर्ट जारी की गई है और इस रिपोर्ट में भारत का स्थान क्या है। तो जितनी भी रिपोर्ट जारी की गई हैं, आपको जो भी पता है वह आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। जिनके उत्तर बढ़िया रहेंगे उनमें से दो तीन लोगों के नामों के बारे में मैं कल के वीडियो में बताऊंगा और उनके आंसर भी आपको दिखाऊंगा। द एडवेंचर ऑफ द डेयर डेविल डेमोक्रेट, इस पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो इसका विमोचन किया है नवीन पटनायक ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। और आपको याद होगा कि नवीन पटनायक जी ये CM हैं उड़ीसा के, और इनके पिता यानी कि बीजू पटनायक की 104वीं जयंती थी, उसी के अवसर पर इस पुस्तक का विमोचन किया गया है। तो यह एक कॉमिक बुक है जो कि आधारित है बीजू पटनायक के जीवन पर। और उड़ीसा की बात हुई है तो ध्यान रखिएगा राजधानी भुवनेश्वर है, राज्यपाल मैंने आपको बता ही दिया गणेशी लाल हैं, और CM कौन है? नवीन पटनायक। ब्रैक गैर सरकारी संगठन यानी कि एक NGO है, यह किस देश से संबंधित है? तो यह जो संगठन है यह संबंधित है बांग्लादेश से। तो इस प्रश्न का ऑप्शन भी करेक्ट होगा। और यह चर्चा में इसलिए आया क्योंकि जिनेवा की एक NGO एडवाइजर नामक संस्था है जिसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई, और इस रिपोर्ट में दुनिया के 500 NGO के बारे में बताया गया। और इस रिपोर्ट के अनुसार जो ब्रैक NGO है बांग्लादेश का, यह लगातार 5वें वर्ष शीर्ष स्थान पर रहा है। अब हम बात करते हैं ब्रैक NGO की। तो बांग्लादेश जब आज़ाद हुआ था 1971 में, उसके बाद में 1972 में फैजल हसन आमेद के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। और ये जो रिपोर्ट जारी की गई है यानी कि कौन सा NGO बढ़िया है, तो इसमें जिन पॉइंट को कंसीडर किया गया है उनमें है नवाचार यानी कि इनोवेशन, प्रभाव कैसा है उस NGO का यानी कि इम्पैक्ट कैसा है, प्रशासन क्या ऐसा है, गवर्नेंस और सतता यानी कि सस्टेनेबिलिटी, इन सभी के आधार पर इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। अब चलिए कल के प्रश्न का उत्तर जान लेते हैं। पहला प्रश्न था कि नोकिया कंपनी के नए अध्यक्ष और CEO कौन बने? तो ये बने हैं पीका लैंडमार्क, और इन्होंने स्थान लिया है राजीव सूरी का। स्वाति रडार भारत किस देश को बेचेगा? तो स्वाति रडार जो कि DRDO के द्वारा निर्मित की गई है, इसके लिए भारत ने समझौता किया है $40 बिलियन का आर्मेनिया के साथ में। एकम उत्सव का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण या अधिकारिता मंत्री थावर चंद्र गहलोत के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। विश्व उत्पादकता कांग्रेस का विषय क्या था? तो इसका विषय रहा इंडस्ट्री 4.0 यानी कि उद्योग 4.0, इनोवेशन एंड प्रोडक्टिविटी, तो यह इसकी थीम रही। स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी पुरस्कार किसे मिला? तो ये पुरस्कार मिला है फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया जादव पायंग जी को, जो कि असम राज्य से हैं, और इन्हें कॉमनवेल्थ का लाइट पुरस्कार भी अभी दिया गया है। तो आज की इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।